नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल भाई गौतम कुमार यादव पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मोनेटाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को बता दें, आज हमारे लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि हमारे चैनल को आज मोनेटाइजेशन के लिए डिसअप्रूव कर दिया गया है। तो ऐसा कौन सी गलती थी जिसके कारण हमारे चैनल को डिसअप्रूव कर दिया गया है? ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कभी मोनेटाइज नहीं होगा। YouTube की तरफ से हमें 30 दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि आप ये गलती सुधार करके आप 30 दिन में रीअप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण हमारे चैनल को डिसअप्रूव किया गया है। और कृपया ये वीडियो को आप कहीं से भी स्किप ना करें और देखते रहें, और वो गलतियाँ ना करें जो हमने की हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं और क्रोम ब्राउज़र में ऊपर YouTube डालते हैं, यानी www.youtube.com। ये डालते ही ये देखिए हमारा YouTube का पेज खुल रहा है। खुलने के बाद इसे हम डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। ये देखिए डेस्कटॉप मोड यानी ऑन करते हैं। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से खुलता है। उसके बाद हम इसके क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं। तो क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद देखिए थोड़ा समय ले रहा है, क्रिएटर स्टूडियो खुल रही है। इसके बाद हम आपको सबसे पहले बताते हैं चैनल के बारे में। सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर हमारा नोटिफिकेशन दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली योर चैनल वाज नॉट अप्रूव्ड फॉर मोनेटाइजेशन, यानी है ना हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको चलते हैं चैनल मैनेजर के। तो जैसे ही चैनल को क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा यहाँ ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है और ना ही कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, उसके बाद भी इनेबल नहीं किया गया। तो देखते हैं क्या इसमें परेशानी है। तो इनेबल करने के बाद ऊपर दिया गया है वाई, यानी वेयर वाई योर चैनल वाज नॉट अप्रूव्ड फॉर मोनेटाइजेशन। तो इसमें जो कारण दिया गया है वो डुप्लीकेशन का कारण दिया गया है, यानी हमारे वीडियो में कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो किसी दूसरे वीडियो या दूसरे यूट्यूबर या फिर दूसरे किसी गाने से कटिंग करके लगाया गया है, इसी कारण हमारे चैनल को अप्रूव्ड नहीं किया गया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। ये देखिए हमें 28 दिन का समय दिया गया है और 4 अक्टूबर 2018 को हम इसे रीअप्लाई करते हैं। अभी देखिए रीअप्लाई शादी है, यानी जैसे ही वो 4 अक्टूबर के बाद वो डीप हो जाएगी। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं अपने चैनल के एनालिसिस में। तो जैसे ही एनालिसिस हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए थोड़ी लोडिंग हो रही है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कितने हमारी वॉच टाइम हैं और कितने सब्सक्राइबर हैं। तो ये जो है पूरे हमारे 28 दिनों का दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका डेट चेंज करके इसे लाइफ टाइम कर देते हैं। तो ये देखिए लोडिंग हो रहा है। लाइफ टाइम करने के बाद ये हमें दिखा रहा है कि हमारे वॉच टाइम टोटल कितने हुए। तो ये आप देख सकते हैं वॉच टाइम हमारे लगभग 33 लाख के आसपास हैं, और सब्सक्राइबर यानी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 5,500 के आसपास हैं। यानी इतना होने के बावजूद भी हमारे चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। तो दोस्तों, आप भी अपने मोनेटाइजेशन से पहले कृपया ये गलती ना करें जो हमने किए हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रहे दोस्तों, जो हमने गलती की है वो अपने चैनल में आप लोग ना करें।